राम राम यूट्यूब फैमिली। आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं सुबह के 9 बजे से कर रही हूँ और गाइस ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया मेरा और अभी ना मैं मम्मी जी के साथ हमारा जो गार्डन है ना नीचे खेत ही है, गार्डन नहीं है वो, वहाँ जा रही हूँ क्योंकि आज डैडी जी ने बोला ना कि मैं पतरौड़े खाऊँगा। गा बढ़ने थोड़ी चल रही था मैं पतरा लेना चल नहीं सफाई होनी चली पतरा लेना चली तो फिर वैसे तो मम्मी जी जा रहे थे पर ना मैंने बोला ना कि मम्मी जी मैं भी जाऊंगी आपके साथ मुझे भी ले चलो तो मम्मी जी ने बोला आ जा तू जोड़ा लेके। ओ नहीं ये पतरौड़े के पत्ते ना अब शायद लास्ट होंगे क्योंकि खेत भी साफ करने लग पड़े हैं लोग ना और फिर होते भी नहीं है इसके बाद पतरौड़े क्योंकि खेतों से फिर कचालू भी निकालेंगे। और ये है पत्ते पतरौड़े के पत्ते और यहाँ पे ना मम्मी जी और मासी मम्मी जी तो पतरौड़ों के पत्ते तोड़ रहे हैं ना पर मासी जी घास काट रहे हैं यहाँ पे और सफाई कर रहे हैं खेत की क्योंकि फिर हम ना यहाँ पे सरसों बोएंगे साग। और ये भिंडी छोटी सी कुराड़ी हो ही रही है भी अब भिंडी भी नहीं बची भिंडी भी पकने लग पड़ी। और ये तरड़ी हाँ भाभी भी ना बुआली ने बनाई थी कितनी सारी लगी है वही तो मैं देखी ये देखी तुम्हें कितनी सारी ऊपर हा ये तो बड़बर लग रही पर बुआ गला ने खटाई पे भले इसी नहीं पा रही सादी बनी रही बड़ भारी फेरी हाँ तभी स्वाद लगनी ही कितनी सारी तरड़ियाँ लगी हैं 100 रुपये किलो बड़ भार लगी थी ऊपर भी होनी है ना दूसरी नहीं ठीक है ठीक है जी वहां से देख रहे हैं आइया आइए ता सफाई करो मैं भी नोती हो सारे नोती रे कने तो गाइस देखो कितनी सारी मिर्चियाँ लगी हैं यहाँ पे एक ये तो अब छोटी बड़ी बड़ी भी देखी थी मैंने एक ये और ना मैं डैडी जी से ना बाजार से मंगवा रही थी मिर्चें कि मिर्चें ख़त्म हो गई है बहन जी आपके वाले गार्डन से लेती थी ना मैं रोज़ मिर्चें वहाँ पे ख़त्म हो चुकी है इसलिए मंगा रही थी मैं और मुझे पता ही नहीं था कि यहाँ पे मिर्चें हैं जी आपको पता है मेरा कान बंद है मुझे सुनाई नहीं रही मिंजो भी यही हाल है मेरा भी ऐसे सुनाई दे रहा है कि बोल रहा है पता नहीं लग रहा है कहाँ से बोल रहे हैं बहन जी आप ना मिर्चें तोड़ दो तो तोड़ दोगे तो गाइस मैं ब्रेकफास्ट करके आ गई ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया मेरा ना और मैं ना ऊपर से देख रही थी कि नीचे चहल पहल लग रही है नीचे गार्डन में तो बहन जी ने बोला कि आ जाओ नीचे और मुझे ना मिर्चियाँ तोड़ने के लिए लगा दिया यहाँ पर लगी है मिर्चियाँ लेकिन मुझे लग रहा है चाचू जी ने निकाल भी ली है आधी आधी इतनी भी नहीं है और ये काले वाली है ये जी मिर्चें छोटी रही काले शायद ये ब्लैक वाली जो है वो इतनी इतनी सी होती है और बहुत तेज होती है ये भिंडियाँ ये ना बीज के लिए रखी है शायद ये कुराड़ी हो गई है पक गई ये भिंडियाँ है नहीं और यहाँ बैंगल लगे इतने सारे लेकिन है नहीं अभी चलो चल पड़ना ऊपर ये कुछ और तोड़ लेती ये किस चीज़ का पौधा है नींबू और क्या और कुछ भी नहीं बचे नींबू और इतने सारे पत्ते हो गए हम तो नहीं बनाएंगे अगर पतरौड़े बने तो मैं नहीं रह सकती पतरौड़ों के बिना मैं खा जाऊंगी आप भी खाओगे बहन
जी आपको पता है मैंने परांठे खाए छाड़ तो तोता। और ये हमारा घर। अब दवाई पी लूंगी फिर सो जाऊंगी। रात को ना डैडी जी ने दवाई लाई थी कल, वो रात को मैंने खाई और मुझे ना 9 बजे नींद आ रही थी और मैं 10 बजे सो गई। सुबह ना 6 बजे भी मेरी आंख नहीं खुल रही थी, 6:40 पर। इतनी मुझे लगता है बीच में ना नींद की दवाई भी होगी शायद। नींद की नहीं वो उसी का होता है, उसी मिक्स होती है। सुबह उठा भी नहीं जा रहा था और इतनी नींद थी। ये गलगल कहाँ से पड़े हैं नीचे? बोरा गलगल का पेड़। बोलते हैं जुखाम के लिए गलगल अच्छा होता है, पता है आपको? वो सर्दियों में बनता है तो इस टाइम। हाँ लग रही था ये गलगल। अगर किसी को कोल्ड हुआ हो ना और वो गलगल खाए तो ठीक हो जाता है। और नीचे पता नहीं किस चीज़ के फूल हैं ये वाले। ये क्या दे फूल ले भाई, कितने सुंदर लग रहे हैं। और ये चल ही नहीं पैना, आइए था यहाँ से जाना है, यहाँ से रास्ता ऊपर को। बहन जी फिर से बोलो क्या बोल रहे हो? कुद्दे पत्ते ले लूँ, ये ना उनके हैं। और बहन जी बोल रहे हैं मैं ले लूँ। आपको ये कम लग रहे हैं जो आपने हाथ में पकड़े हैं? बहन जी आप भी मांगने आओगे तो आगे चलो, मैं बीमार हूँ मैं लूँगी। एक ले लेती हूँ, कुछ नहीं आगे बंद करो। नहीं चलो चलो, ये तो पत्ते ऐसे भी ले सकते हैं, ये कोई मना थोड़ी करेगा। पर कुराड़े तो नहीं हुए रहे होने, अगर अरबी के हुए तो। अरबी के भी खा लेते हैं कुछ। एक बोला था 3 ले लिए। चलो हमारे खेत है और ये गाइस को बता दो। हाँ गाइस ये हमारा खेत है, हम मजाक कर रहे थे। हाँ प्रैंक कर दिया, कोई देखते नहीं रहा। नहीं अमरूद का पौधा। हाँ और खा लो बहन जी। ना आज अपने इस वाले चारपाई बहन जी, बहन जी आपको पता है कपड़े सिल देते हैं उसके बाद। हाँ इस वाले चारपाई का खलारा उठा रहे हैं। तो भाई साहब ना हमारे घर इलेक्ट्रिशियन आए हैं ना, स्विच खराब हो गया है हमारी रसोई का, तो वो ठीक करने आए हैं। तो ना इसलिए चली गई थी मैं उन्हें ना स्विच दिखाने नीचे वाला, वो भी ख़राब हुआ है। एक साथ ही 2 स्विच खराब हो गए। अभी वो फ्रिज वाला भी था वो भी चेक करवाना है। पर भाई जी आपका स्विच ठीक हो गया है अब? कौन से वाला मत बोलो गाइस, कमेंट करते हैं फिर। और ना बहन जी का खलारा आज बहन जी ना इस वाली चारपाई को साफ़ कर देंगे, क्योंकि अब हम ना सूट भी नहीं ले रहे ज़्यादा लोगों के। और करवा चौथ के बाद तो हम बंद ही कर देंगे सूट लेने बहन जी, क्योंकि एक महीना बचेगा फिर शादी के लिए। ये महीना तो ऐसे ही चला जाएगा करवा चौथ और शादी में ना, फिर 1 मंथ बचा बस और फिर शादी। बाहर दिखाओ। और बाहर हमारी बुआ जी आए। चलो तो अभी हमने ब्लॉग भी अपलोड करना है, वो भी नहीं किया तो वो भी कर लेती हूँ, फिर उसके बाद स्टिचिंग करने बैठेंगे हम। और ना पहले ना मैंने जल्दबाजी में लिख ली, उसमें मैंने लिपस्टिक भी लगाई थी। आपको ना मैं पहचानने भी नहीं आऊँगी, क्योंकि बहन जी बहुत मत दो काम करो। बहन जी बता देती हूँ गाइस को, क्योंकि गाइस ना बुखार जुखाम और इतना जो 2-4 दिन बीमार रही उस वजह से ना सारा मुँह ऐसे उतर गया है, ज़रा भी ग्लो नहीं रहा और ज़रा वैसे ऐसे पतला पतला सा हो गया है मुँह भी। और बहन जी तो लिपस्टिक लगा ही लेते हैं अब ना, क्योंकि उन्हें पता है अगर लिपस्टिक लगाई तो किसी को भी पहचान में नहीं आएंगे। तो चलो मैं ब्लॉग अपलोड कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मिलते हैं आपसे। तो यूट्यूब फैमिली शाम के 5 बज गए और मेरा सूट स्टिच हो गया पूरा। और ना अभी मैं ये जो मैंने सुबह अरबी के पत्ते लाए थे खेत में ना, और ये जो मैंने सुबह अरबी के पत्ते लाए थे ना इनको धो रही हूँ मैं। और ना ये पत्ते जो है मुझे ना अच्छे से धोने पड़ेंगे, क्योंकि काफ़ी दिनों से बारिश नहीं हुई। अगर बारिश हुई होती है ना तब तो फिर चलो ऐसे ही धो देते हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा सा पानी फेंका और हो गया। पर अगर बारिश ना हुई हो तो अच्छे से धोने पड़ते हैं पत्ते, नहीं तो उनके ऊपर कुछ ना कुछ लगा होता है। क्योंकि हमने पिछली बार पत्ते बनाए थे ना तब तो बारिश हुई थी, फिर अच्छे से नहीं धोए थे ना।
क्योंकि बारिश से धुल जाते हैं। और बहन जी आप क्या कर रहे हो? मैं ना मम्मी का सूट कट कर रही हूँ। ये हमारा भी सेम ऐसे ही, ये ना मम्मी का करवा चौथ का सूट है, तो एक सूट है स्टिच करने के लिए, कट करने के लिए, लेकिन उसकी लाइनिंग अभी धोई मैंने ना, तो मैंने सोचा तब तक ये पर्पल वाला। ओ बो अच्छा ठीक है, देखती हूँ अभी। तो मैं ना पत्ते धो रही हूँ और मम्मी जी को मैंने भेजा मसाला लाने के लिए। बाहर गए हैं बनाने को थोड़े ही, देखिए लाइट इसलिए डाल लिया था, बनाई हुई मसाला मसाला ना। बोलो तो कॉफ़ी बनाओगी? वही मैंने चाय पी ली, कोई बात नहीं कल पियेंगे अब कॉफ़ी। अभी ना मुझे पत्रोड़े बनाने के लिए, तो काटो आप, मैं 5 मिनट में आऊँ। अगर मम्मी जी आ गए तो फिर तो मैं बना दूंगी बाहर, अगर मम्मी जी गप्पे मारने बैठ गई है ना वहाँ पे, तो फिर तो लग जाएगा आधा घंटा। और मैं सूट दिखाती हूँ अपनी मम्मी का आपको। बहन जी ऐसे ही नचाते रहते हो आप, फ़ोन में ना इतना अच्छा नहीं लग रहा देखने में, ना ये चमक दिख रही है इसकी, पर ये रियल में ना बड़ा सुंदर है ना बहन जी। और बहन जी का ग्रीन है और मेरा पर्पल है। एक दिन ना बहन जी हम ना कहीं जाएंगे, मामा के घर जाएंगे, ये हम तीनों एक से सूट पहन के। हाँ। कब जाना? नहीं कल नहीं, करवा चौथ के बाद, क्योंकि मम्मी ने करवा चौथ पे पहनना है ये सूट। तो चलो गप्पे मत लड़ाओ। तो YouTube फैमिली अभी शाम के 6 बजने वाले हैं और मैं ना मम्मी का सूट कट कर रही थी, वो हो गया कट। और यहाँ पर मासी जी ना रात के खाने की तैयारी कर रहे हैं, घी की सब्जी काट रहे हैं और बहन जी पतरोड़े बना रहे हैं। और मुझे तो लगता है ये इस सीजन के लास्ट पतरोड़े हैं। बोला था मैंने बोली एक आध भी बने सके हैं किस तरह से, फिर से मासी जी बोल रहे हैं कि एक आध बार फिर से बना सकते हैं, चोरी करके नहीं आप ही जाओगे इन खेतरा आया थे कुछ की रखे तेरे लग रही लाड़ पता नहीं आंदा ही है कि कुदा आंदा नहीं बोल अच्छी नजर कौन लग रही लाड़ ए इन्हें बोले हां हां जो हां तो बोलो नहीं बोले चोरी करने का है लाड़ा बोले इन्हें भिंडियां बोले कितने बार भिंडी लगी है गया है नहीं से ऊपर जे खेतर बोले तीने बोले हां तीने दिए है दोनों तीनों के तीन है जो ना रहेंगे भिंडियां बोले हां गंडी आड़ी रे ओ पत्थर का सब पाई सके है अम्मा जी सूट लेकर आ गए स्टिच करवाने के लिए। शरीर वंटिए रहा है दे दे अम्मा जी कैसे हो नहीं गए आपके और अंधेरा भी हो गया अभी 6:15 हुए और ठीक है। तो YouTube फैमिली शाम के 7 बज गए और खाना बन गया मेरा। और ना अभी मैंने ना पतरोड़े जो हैं वो फ्राई नहीं किए क्योंकि उन्हें ना ठंडा होने में अभी टाइम लगेगा, तो वो मैंने ना पंखे के नीचे रख दिए। और बहन जी आप बोलोगे कि पतरोड़ा लेके क्यों नहीं आए, तो मैंने बता दिया ठीक है, मिलेगा सबको मिलेगा, बराबर मिलेगा, आप बराबर नहीं, बराबर नहीं मिलेगा, मिलेगा तो एक ही आपको। और ना गाई साहब अच्छा पहले मैं ना बहन जी की पकौड़ियाँ दिखा देती हूँ आपको। आज बहन जी बेसन की पकौड़ियाँ बना रहे हैं और कोई खास चीज़ डाली है आपने इसमें? कसूरी। ओहो कुछ और, चलो ठीक है। और गाइस आज का ये ब्लॉग भी ना हम यहीं पे एंड करते हैं, और आपने कमेंट करके बताना आपको हमारा ये ब्लॉग कैसा लगा, और अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को। और मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक बाय। मेहंदी हमारी निकल गई, आटा लग रहा है।